ये है राजधानी की एस्कॉन यूथ फोरम बेस्ड संस्था जो रत्नागिरी में स्थित है। यहाँ पर युवाओं को कृष्ण भक्ति और भागवत गीता के जरिए सकारात्मक सोच का संचार किया जाता है। संस्था का मूल मंत्र है अनुशासन, जिससे युवाओं को जीने की एक नई दिशा मिल रही है। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे हरे। इसका श्रेय अपने बेस का, मतलब जो सीनियर डिवोटी लोग हैं, पढ़ते नहीं तो गाइड करते हैं, बोलते हैं इसको ऐसे पढ़ो, ये करो, मतलब सब सही बताते रहते हैं। मैं यहाँ पे एमबीए कर रहा हूँ और मैं यहाँ 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस्कॉन से। पहले मैं बाहर किसी दूसरे जगह पे इस्कॉन से जुड़ा था, फिर वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो फिर मैं इस चीज़ को फिर से यहाँ पे खोजा और इस चीज़ को, और फिर यहाँ रहने लगा। एक्चुअली यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे ये लगी, अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ की कल्चर अच्छी है, डिसिप्लिन यहाँ पे सबसे बेस्ट है। ये कि आप अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी सक्सेस की होती है आपके लाइफ की, अब वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाती है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो लेट नाइट सोते हैं और लेट से जगते हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। और मैं सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ तक पहुँचा हूँ और इधर मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, जैसे लोग मतलब बाहर नशा वगैरह करते हैं। मैं पहले बाहर भी रह चुका हूँ, हॉस्टल्स में, रूम में, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं कि वहाँ लोग को ऑपरेट नहीं कर पाते, मतलब अच्छे इन्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब हम लोग, फिर मैं इधर स्विच किया अपने आप को, तो मैं पिछले इधर 6-7 महीने से रह रहा हूँ बेस में, और मैं यहाँ बहुत ही मतलब अच्छे से सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम्स होता है, जिसके हम लोग मतलब बहुत ही माइंड जो है एकदम मेंटल पीस मिलता है। और अभी जैसे कि हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, और अभी कुछ देर के लिए मैं अभी भगवद गीता पढ़ रहा था थोड़ा रिलैक्स लेने के लिए। और मतलब ये बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब अगर लाइफ में अगर थोड़ा मोटिवेटेड रहना है और अच्छा मतलब किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं। और यहाँ स्पिरिचुअलिटी को हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और लाइफ मतलब इससे सही रहता है। 2 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ। पहले साल तो मैं जब आया था यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मैं बाहर के हॉस्टल में रहता था, दोस्तों के साथ में रूम लेके इस तरीके से रहता था। तो वहाँ का माहौल जो था बहुत ही अलग टाइप का था, मतलब पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं था, लोग वहाँ पे थे, मस्ती करते थे, बस मतलब शराब पी रहे, गलत हैबिट्स, मतलब वो जितने भी नशे वगैरह कर रहे हैं और गाली वाला, जिस तरीके की वहाँ का कल्चर था, बहुत ही बेकार लगता था वहाँ रहना। तो लाइक कोई सीनियर थे यहाँ पे, वो आए हमारे लाइक वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, तो हमें यहाँ पे मिला था, इन्हें पता है कि बेस जैसा कोई जगह होती है, फिर हम यहाँ पे आए, हमें लाइक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे रहना स्टार्ट